लेडीज एंड जेंटलमैन एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मनीष, आप देख रहे टेक्निकल मनीष। आज हम बात करने वाले एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोबाइल के बारे में, जिसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी नोट 20। इस नोट सीरीज़ के बारे में कौन नहीं जानता, कौन इसके लिए इंटरेस्टेड नहीं होगा। सबके सब इसके लिए काफ़ी ज़्यादा स्टार्टिंग से इंटरेस्टेड थे, इसके बारे में जानना चाहते थे। अभी तो आपको मुंबई की हालत पता ही है, कोविड-19 ने आधी हालत ख़राब करके रखी थी, फिर बारिश आ गई, बारिश के साथ साथ साइक्लोन भी आ गया पीछे पीछे। खैर जो भी है, इस सिचुएशन में सेफ रहो, संभाल के रहो। और अब हम बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी से जल्दी जाओ चैनल करो सब्सक्राइब, 200 तक पहुँचा भी दो, और उसके बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलना, वरना मेरे नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेंगे। और अगर वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो करना लाइक, और अगर आपको कोई प्रश्न है सुझाव तो आप कमेंट में कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं स्पेसिफिकेशन से। तो भाई सैमसंग का मोबाइल है और इंडिया में रिलीज़ हो रहा है, तो वो हमारा पोपट तो करते ही है, क्या करेंगे भाई, हमें क्वालकॉम नहीं देते, प्राइस हल्का सा कट मार देंगे और फिर दे देंगे एक्सिनॉस का प्रोसेसर। भाई इतनी हीटिंग इश्यूज होती है एक्सिनॉस के प्रोसेसर में, इससे अच्छा मैं कहता हूँ मीडियाटेक ही ले लो यार, कितना ज़्यादा डर लगता है जो भी इसे यूज़ करता है। भाई चार्जिंग लगा कर इसे रख दिया जाए ना, खाली आप उस पर एक दो ऑमलेट खा ही लोगे, इतना तो पक्का ही है। अगर हम बात करें कौन सा प्रोसेसर है, तो भाई देखो प्रोसेसर तो फास्ट है, जो है सैमसंग एक्सिनॉस 9 ऑक्टा 990 फास्ट तो है, पर भाई कॉलकॉम का दे दिए होते तो कौन सी उनकी जान पे आफत बनाती। भाई 2-3 हज़ार जो 1 लाख खर्चा कर रहा है, वो 2-3 हज़ार डाल के ऑफकोर्स कॉलकॉम का ले ही सकता है, पर भाई पोपट तो हमारा ही करना है। सैमसंग को नहीं प्रॉफिट दिखते रहते, उन्हें पता है कि बाहर इनके जो एक्सिनॉस प्रोसेसर नहीं बिकेंगे, ज़्यादातर बाहर नहीं लेंगे, और भाई इंडिया में तो ज़बरदस्ती लेना ही पड़ता है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। बात करें डिस्प्ले साइज़ की तो 6.9 इंचेस का इसका डिस्प्ले, स्टोरेज की बात करें तो 128 GB का स्टोरेज है। रेयर कैमरा की बात करें तो सैमसंग भाई बनाते खुद के सेंसर्स, तो अपने मोबाइल में सेंसर्स कैसे कमज़ोर दे देंगे। तो इसके जो मेन मॉडल है उसके अंदर आपको मिलेगा ट्रिपल कैमरा सपोर्ट, और जो इसका प्लस मॉडल है उसके बारे में मुझे नहीं पता। तो देखो ट्रिपल वाले में आपको मिलेगा 108 मेगापिक्सल का पहला कैमरा, भाई बहुत अच्छी बात है, उसके अंदर आपको डिटेल की तो बात मत पूछना। जो सेकंड कैमरा है उसके अंदर भाई कमाल कर दिया है, उसके अंदर दिया है 48 मेगापिक्सल का कैमरा। थर्ड कैमरा जो दिया है वो है 12 मेगापिक्सल का, तो भाई ओवरऑल कैमरा तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, कॉस्ट दे तो अच्छा होता भाई, 1 लाख खर्चा कर रहे हैं, फ्री में तो ले नहीं रहे। और भाई 15-15 हज़ार वाले दे रहे क्वाड्रेंट कैमरा सपोर्ट, क्योंकि भाई अलग अलग कैमरा के अलग अलग यूजेस होते हैं, जिससे हमारे भी सारे जो काम है ना वो आसान हो जाते हैं। तो ठीक है अब दे दिया। अगर बात करें बैटरी की तो 4000 mAh की बैटरी है, जो मैं कहूँगा एवरेज है। और रैम की बात करें तो 12 GB का रैम है, तो ओवरऑल जिसकी मेन स्पेसिफिकेशन है काफ़ी ज़्यादा अच्छे है। लेकिन अब बात कर लेते हैं हमारे नेटफ्लिक्स यूज़र्स और जो भी हॉटस्टार वगैरह यूज़ करते हैं, उनके लिए जो मेन बात आती है वो डिस्प्ले। तो इसके ना आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलने वाला है, यानी मज़े करो लेके। और रेजोल्यूशन की बात करें तो 2K रेजोल्यूशन तक सपोर्ट करता है, मतलब चिंता करने की तो ज़रूरत है ही नहीं, सैमसंग अपने डिस्प्ले तो भाई बनाता है। ये जादूगर वाले पे आप इस दुनिया के सारे दृष्टिकोण काफ़ी अच्छे से देख सकते हैं, इस दुनिया के अलग ही आनंद ले सकते हैं। अगर हम बात करें इसके अंदर लॉट की, तो भाई हाइब्रिड स्लॉट दे दिया है, जो मुझे अच्छा नहीं लगा इतना कि भाई डेडिकेटेड दे तो कौन सी जान चली जाती उनकी। और अगर हम बात करें इसके अंदर मेन चीज़ की जो है फिंगरप्रिंट, तो वो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, जो काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक और अच्छा तो लगता ही है। पर इसके अंदर सैमसंग ने कहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी टेक्नोलॉजी और फास्ट फिंगरप्रिंट स्कैनर देंगे, जिससे लोगों का काम काफ़ी ज़्यादा आसान होने वाला है। क्योंकि मालूम ही है आपको कि स्क्रीन पर आपको एक डेडिकेटेड जगह पर हाथ रखना होता है, इसीलिए कि स्क्रीन पर कहीं भी हाथ लगा दिया और फिंगरप्रिंट स्कैनर स्कैन करके आपको बता देगा कि हाँ ये तो आप ही हो, और आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। नहीं ऐसा नहीं होता है, लेकिन कि उसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है अभी के टाइम में कि फुल डिस्प्ले में आप फिंगरप्रिंट स्कैन कर सकते हैं, उसकी ज़रूरत भी नहीं है। पर खैर अगर हम बात करें इसके अंदर क्या नया लाया है उन्होंने, तो उन्होंने जो चीज़ दिया है वो है एक फास्ट फिंगरप्रिंट स्कैनर। क्योंकि आपको पता ही है जब उन्होंने अपना
S20 निकाला था तब उसके अंदर फिंगरप्रिंट जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट था वो कभी कभी स्कैन नहीं करता था, काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ उसके अंदर चल रहे थे, लोग कह रहे थे, कंप्लेन कर रहे थे कि भाई इतना ज़्यादा पैसा देने के बाद आप हमारा ऑडिट करे जा रहे हो, तो ये तो ठीक बात नहीं थी जो शायद सैमसंग ने इसमें फिक्स कर ली है। और देखते हैं अभी, वो तो खैर मोबाइल के आने के बाद ही पता चलेगा कितना फिक्स किया है। और मोबाइल के लुक्स की बात करें तो मोबाइल काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखता है। ये सैमसंग के जो नोट सीरीज़ के मोबाइल्स हैं वो तो भाई पहले से ही काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिखते और अच्छे होते भी हैं। तो देखते हैं कि नोट 20 में क्या रखा और क्या धमाका करेगी वो आने के बाद। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो करना, लाइक, चैनल करना, सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलना। और वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो करना लाइक। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।